हेलो, जा रहा है सर? पीछे वाला बताएंगे। हेलो हेलो, चलिए हम लोग सर इसमें ये पार्ट ये हम लोग क्या पढ़ लेते एंड फर्स्ट पेसिव में हम लोग सर पेसिव वाइज में पार्ट नंबर 11 तक देख लिए थे। पार्ट नंबर इसका 12 होगा, इसका फीचर कंटिन्यूस का सर हम कल बता लिए थे। पार्ट नंबर 11 में थोड़ा सा बताए थे सर, ये आधा बच गया, आधा हम कल बताए थे, आधा आज बच्चा हुआ, आज इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले सर अगर चैनल पर अभी आप इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। इससे क्या होगा सर कि जितना भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, ठीक है, और सारे वीडियो को आप देख पाएंगे और इंग्लिश ग्रामर को आप सीख सकते हैं। इसको पढ़ लेने के बाद सर ये इस टेंस से जितना इस टेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जितना भी सेंटेंस आपको बनाने दिया जाएगा, आप उसको ईजिली बना सकते हैं मेरे जैसा, ठीक है। तो देर किस बात की सर, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप भी सर अच्छे से आप बैठेंगे कॉपी कलम ले करके, तब आपको समझ आएगा, और जितना हम बताएंगे आपको सारे नोट डाउन करते जाएंगे। बहुत ऐसे बात होंगे सर जो हम बोल देंगे आपको वो लिख लेना है, ठीक है। बोर्ड पर सारे बात मैं नहीं लिख पाया, सारे बात लिखने का उतना टाइम भी नहीं है सर मेरे बात, एक एक कीमती होगा, 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन एक एक बात कीमती होगा, आप उसको अपना जीवन में उतारेंगे और उसको पहले कॉपी में उतारेंगे, ठीक है। उसको पहले आप अपने कॉपी में पहले उतारेंगे, उसके बाद अपने जीवन में उतारेंगे। तो आइए सर मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए पार्ट 12 पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पार्ट 11 मैं बता दिया हूँ, पार्ट 11 वीडियो में इसका थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। ये अफर्मेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव हम बता दिए थे, ठीक है। तो आज इसका होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आप बना सकते हैं। तो आइए पैसिव में बदलने का सर देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिए हैं, रूल नंबर डी होगा, रूल नंबर सी हम कल बता दिए थे। तो क्या होगा, सेल या विल प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है जो आपको पैसिव बनाने के लिए आपको बताएगा। ये सर सारे सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया गया है, ACTIVE एक्टिव में दिया गया है, और जो हम बनाएंगे सारे पैसिव में होगा, PASSIVE सारे पैसिव में होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये रहा, ये इस टेंस को जानने से पहले सर आप इस टेंस इस पैसिव इस सॉरी ये टेंस का पैसिव वॉइस जानने से पहले सर ये टेंस आपको जानना पड़ेगा कि इसका सेंटेंस कैसा होता है, आपको देखल होना चाहिए तब इसको आप बना पाएंगे, और सारे को आप सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को खोजने आना चाहिए तब इसको इजीली बना सकते हैं। तो आइए सर देखिए, विल सचिन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन 2014-15 ने, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट खोजना है और ऑब्जेक्ट को खोजना है, ठीक है। आप ये दोनों खोज लेंगे तो आपका सेंटेंस इजी हो जाएगा, कुछ नहीं सर आप इजी से खोज सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट अगर खोजने नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका जो वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए क्रिकेट मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है, प्लेइंग मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना, कुछ भी करना होता है मेन वर्ब, तो प्लेइंग मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, प्लेइंग है वे को, थोड़ा सा गेट को सटा दीजिए सर, तो प्लेइंग मतलब खेलना, इसके तुरंत बाद आपका क्रिकेट आया है तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। और कौन खेल रहा है, कौन खेल नहीं खेल रहा होगा तो सचिन, आपका सचिन सब्जेक्ट, सचिन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सचिन आपका सब्जेक्ट है, और प्लेइंग के बाद मेन वर्ब का जो भी आएगा, डिस्टर्ब हो रहा है क्या बोला तो खोलता क्यों, लगा दीजिए उसको, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, लगा छोड़ दीजिए, वो डिस्टर्ब कर दिया बीच में। ओके सर, सचिन विल सचिन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन 2015, तो आपको सब्जेक्ट खोजने आना चाहिए सर और ऑब्जेक्ट आपको खोजने आना चाहिए। तो ये रहा सर सचिन, सचिन इसमें
सब्जेक्ट है ना, कौन खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट, तो सचिन, सचिन मतलब कि जो काम करते रहे होगा सर वो आपका सब्जेक्ट होगा, तो सचिन इसमें क्रिकेट खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, तो यही ना, तो सचिन आपका सब्जेक्ट है। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका जो वर्ड दिखेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसमें भी सर दे, वे लोग, वे लोग, वे लोग आपका सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका देखिए क्या है, तो एक प्रैक्टिकल, ये एक प्रैक्टिकल आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप सारे को देख लेंगे, टीचिंग के बाद आपका यू आया तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, और अरेस्टिंग के बाद आप क्रिमिनल आया है तो आप, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए आई, आई तो सब्जेक्ट है ना इसमें, और वी इसमें सब्जेक्ट है, तो कुछ नहीं करेंगे सर, पेसिव वॉइस का आपको नियम पता होगा, अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको इसी तरह से पता होगा कि सब्जेक्ट पेसिव वॉइस का नियम क्या होता है। तो आइए सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कॉपी में लिख लेंगे सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पेसिव में, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पेसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव में सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक से हम आपको बताते हैं, विल सचिन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन 2015, देखिए क्वेश्चन मार्क है आपका, शैल और विल आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो जो पेसिव एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपको सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, और आई और वी के लिए ही सेल सिर्फ रिजर्व है, आई और वी के लिए ही सेल रिजर्व है, आई और वी के लिए ही सेल रिजर्व है, बाकी बात कुछ भी रहे आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट उसके साथ विल लगेगा, तो इसमें अगर क्रिकेट आएगा तो क्या लगेगा, विल लगेगा, आपका विल होगा, विल और क्रिकेट CRICKET विल क्रिकेट। अब नेगेटिव है सर, नोट लगाएंगे, नेगेटिव तो सेंटेंस से ही लिए हैं, उसके बाद बी लगाएंगे, बी उसके बाद बीइंग, बी ई आई एन जी आप अच्छे से लिखेंगे, मैं भी अच्छे से लिख रहा हूँ, विल सचिन नॉट बी डिंग नॉट बी बीइंग बनाए नहीं आ जाइए कोई बात नहीं, विल क्रिकेट नॉट बी बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको चाहिए, तो मेन वर्ब है आपका क्या, तो प्ले नहीं, बी फोर आपका प्लेइंग है, ठीक है, प्लेइंग आपका बी फोर है, इसका बी थ्री चाहिए तो प्लेड, PLAYED प्लेड, उसके बाद आपको क्या लगाना है, तो बाय लगाना है, BY बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, तो आपका सचिन सब्जेक्ट है, तो सचिन को दीजिए ना ऑब्जेक्ट में, सचिन SCH चाहिए सचिन, और ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो सेंटेंस में है आप उतार दीजिए, आपका सेंटेंस सही होगा, इन 2015 इन लिखा होना, ये इन लिखे सर 2015, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देंगे तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। WH जो सेंटेंस रहेगा और जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा उसमें आपको क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है, अगर आप नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर दो में आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूँ, ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप ज़रूर करके हमको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आइए विल दे 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 देखिए आपका सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है एक प्रैक्टिकल, ए प्रैक्टिकल, तो ए प्रैक्टिकल आपका सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, तो आपको विल लगेगा, विल विल ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जगह पर ए प्रैक्टिकल PRACTICAL अगर स्पेलिंग मिस्टेक है सर तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे, प्रैक्टिकल ऐसा तो नहीं होना चाहिए, विल ए प्रैक्टिकल नोट लगाएंगे चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, उसके बाद बी लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग लगाएंगे नहीं, उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का कौन फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको चाहिए, तो देखिए सर क्या कर रहा है, डूइंग, डूइंग आपका मेन वर्ब है, डू आपका मेन वर्ब है लेकिन वी फोर आपका है, डूइंग लगाया होता आप इसको थर्ड फॉर्म बनाइए, तो डन होगा, DONE डन, उसके बाद चाहिए आपको बाय, चूँकि स्ट्रक्चर में आपका दिया गया, देखिए बाय, उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ना बनता है, तो देखिए दे आपका सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव किस में आएगा, तो देम आएगा, देम TH EM क्या आएगा, तो D
नेम आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है सर, ये नेम का दे का ऑब्जेक्टिव क्लस होता है देम, अगर ये आपको नहीं पता है तो पेशी वॉइस का पार्ट नंबर एक वीडियो आप जाकर के देख लेंगे, आप सारे सीख सकते हैं। आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए सर मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री पर। Shall I not be teaching you in the morning? तो you आपका सब्जेक्ट है, अगर you यहाँ पे लगाएंगे तो will आएगा आपका, कितना सिंपल है, will you, will you। उसके बाद नेगेटिव एंड नोट लगाएंगे, be लगाएंगे, कितना सिंपल है, being लगाएंगे, being, being लगा दिए। आप स्ट्रक्चर से जरूर चलेंगे सर, ठीक है, हमको याद है इसलिए आप झटझट बना देते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा तो आप स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे क्या क्या मांग रहा है उसके अनुसार आप बैठाते जाएंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे सर। इंग्लिश में यही तो है सर, ग्रामर में यही तो है, अगर आप उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपका सारा सेंटेंस चौपट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर मीनिंग तो है ये, उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो चलेगा क्या, नहीं सर नहीं चलेगा, आपको स्ट्रक्चर में जिस तरह से है सीरियल में उसी तरह से आपको देना होगा, नहीं तो सारा सेंटेंस आपका चौपट। विल यू नॉट बी बींग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, तो क्या करें, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, लेकिन इसका भी फोर टीचिंग है, नहीं बी फोर आपका टीचिंग है तो विथ री चाहिए ना, तो टाउट होगा टी ए यू जी एच टी, यही ना होता है प्रशांत, टाउट विथ री होता है टी ए यू जी एच टाउट, प्रशांत मेरा थोड़ा सा हेल्प करता है, आप लोग उसको जानते होंगे, मैं नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में उसको दिखाऊंगा। ठीक है, आपसे जरूर मिलाएंगे सर, प्रशांत मेरा बहुत हेल्प करता है, आप उसको थैंक यू बोलेंगे। आइए बींग टाउट बाय, उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वही ना होता है ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव में आई है सब्जेक्ट, तो आई का हो जाएगा मी, मी मी, आई का क्या हो जाएगा तो मी हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नहीं 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 कुछ तो बचले रह गए ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग देंगे, इन द मॉर्निंग एम आर एन आई एन जी मॉर्निंग, और लास्ट में क्या देंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे सर। ठीक है सर, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अगर आप इंटर और मेट्रिक का स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है सर, आप अभी से जोड़ लीजिए, ये वीडियो आपका 17 नवंबर को बन रहा है, 17 नवंबर 2022 नहीं 2022, तो आपका कहाँ समय है, 2 महीना लमसम बचा हुआ, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण होइए, मेरे लिए सरप्राइज, हमसे सरप्राइज, आपके लिए सरप्राइज रखेंगे सर, अगर आप अच्छे से पास होंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज रखेंगे और आप ले सकते हैं, तो आइए सर अच्छे से पढ़ेंगे तब ना सर, आप बदमाशी करेंगे जैसे तैसे करेंगे तो नहीं ना होगा, अभी से लगभग 5 घंटा प्लस पढ़िए आप, डेली आप रूटीन बांध लीजिए कि 5 घंटा प्लस हमको पढ़ाई करना, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है सर, सारे तो आप पढ़ लिए होंगे, जो पढ़े हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ सीखने का आप दिमाग नहीं लगाइए, जितना आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आइए सर इसका डब्ल्यू एस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे चलते हैं। ओके हाँ ओके, आई एम रेडी टू शूट द वीडियो, नहीं आई एम रेडी टू शूट द वीडियो। ओके सर, मेरा पेन गिर गया, मेरा पेन बहुत उछलता है सर, आप देख सकते हैं, आइए ये पेन नहीं चलता है, ये पेन चलता है, आइए सर रूल नंबर ई में है आपका, देख लीजिए क्या है, तो डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच क्वेश्चन स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होगा ये, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं लिए हैं, अगली बार में नेगेटिव लेंगे, तो रूल नंबर ई में डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच वर्ड भी, आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन को आप डब्ल्यू एच वर्ड भी बोल सकते हैं सर, ये क्या होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच वर्ड, तो जो सर आपको हम बताए हैं सारे में ये आर लिखे हैं, सारे वीडियो में बताए हैं सर, ठीक है, टेंस में भी हम बताए हैं कि जो वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है ना, जो वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है जिससे कि क्वेश्चन को पूछा जाता है वो क्या होता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो जो वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है जिससे क्वेश्चन को पूछा जाता है वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड, तो वाई देखिए डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, वैन देखिए डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, वे फिर वाई देखिए डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, और वैन वेयर आपका डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, इससे क्वेश्चन को पूछा जाएगा ना कि आप क्यों नहीं खाना खाए, क्यों नहीं खाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, फलना ढिकाना, जो भी आप इससे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।
तो देखिए सर, WS क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर है आपका कि कुछ नहीं सर, जो इंट्रोगेटिव का आपका क्वेश्चन लिखा है उसी के अंत में, शुरू में आप WS क्वेश्चन को जोड़ दीजिए, आपका WS क्वेश्चन बन गया। देखिए WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस, ये नॉट को नहीं लेना है चूँकि हमने लिए हैं, इस नेगेटिव को अलग से लेंगे, यहाँ पे बी लिख देना है, बी ये नेगेटिव को नहीं ले हैं चूँकि नेगेटिव आपकी बार में हम बता देंगे, अपनी स्लाइड में बता देंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। क्या है सर, WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, पहुंच लो उसको सटा दो अच्छा से, ठीक है आ जाओ। WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, नहीं है प्लस क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क WH क्वेश्चन, जो WH का वर्ड होगा सर, जो WH का सेंटेंस होगा, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा, उसमें आपको WH क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप WH क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, सारा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको मैं कॉपी कलम दे रहा हूँ, आप भी बनाइए। देखिए सर, मेरा स्टूडेंट आया है लेकिन कॉपी कलम ले कर नहीं आया है, देखिए मैं आप लोगों को लास्ट में मिलवाऊंगा कौन कौन है, ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप वीडियो को पूरा देखेंगे सर, ठीक है, और आप सारे वीडियो को सर, जो भी वीडियो आप देखते हैं पूरा देखिए, ठीक है, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। आप बीच में छोड़ देंगे एक दो सेंटेंस बना करके तो वैसे थोड़ी समझ आएगा, ठीक है, आपको कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा आपको पता नहीं चलेगा, तो प्लीज़ सर आप वीडियो जितना होता है पूरे देख करके जाएंगे, ठीक है, और वीडियो का लास्ट में तो आपको ज़रूर देखना है सर, शुरू में और लास्ट में आप ज़रूर देखिए, वहाँ आपको मोटिवेशन टिप्स मिलेगा कैसे कि पढ़ना है कैसे क्या करना है। तो बनाइए सर, आइए सर इसका एग्जांपल को देखिए, WH वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, सर इतना बड़ा रहेगा? तो हाँ मेरे भैया इतना बड़ा रहेगा। इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ये रहा सर इसका एग्जाम्पल, आप सेल और आप सेल या तो आप सेल और विल में से आप एक लगाएंगे, आप जानते होंगे सर कि आपका सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो क्या लगाएंगे, सेल, और आई और वी छोड़ा के जितना भी सब्जेक्ट है आप विल का प्रयोग करेंगे उसके साथ। तो आइए सर लेट किस बात की, तो बनाते हैं हम। देखिए ये सारे सेंटेंस जो है वो एक्टिव में लिखा हुआ है, SCTIVE, और जो हम बनाएंगे वो आपका पैसिव में होगा, वो हम आपका पैसिव में होगा, PASSIVE, ऐसे आप इसको समझेंगे। जितना भी सेंटेंस है आपको वो पैसिव में दिया गया, एक्टिव में दिया गया, और जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा। आइए सर, तो आपको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट में सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वाई विल दे, आपको दे सब्जेक्ट है देख लीजिए, नहीं, और ऑब्जेक्ट आपको खोजना बहुत आसान सर, आप मेन वर्ब के तुरंत बाद आप जाएंगे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर देखिए आई सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट रहता है, ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आई सब्जेक्ट है और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, फिर देखिए इसमें सी सब्जेक्ट है, फिर देखिए वेटिंग आपका मेन वर्ब है, इसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आया था यू आया था, यू आपका ऑब्जेक्ट है, इस तरह से आप खोज सकते हैं। कुछ नहीं, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही तो नियम है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर एक से हम लोग चलेंगे, तो व्हाई विल दे बी फीडिंग अस देयर, एकदम स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखेंगे आपका सारा सेंटेंस सही होगा। आप WH वर्ड को शुरू में उठा करके लिख देंगे, पहले से भी दिया गया आप ही उठा करके लिख दीजिए। देखिए वाई नहीं तो WH वर्ड है आपका वाई लिख दीजिए, वाई हो गया, उसके बाद सेल और तो विल में से आप एक लगाएंगे, जहाँ आई और वी रहेगा सब्जेक्ट उसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस है तो उसके साथ, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे, तो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वही ना बनेगा सब्जेक्ट, तो अस 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 देखिए अस आपका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ये बनेगा वी, वी का होता है अस, तो वी बनेगा, अगर यहाँ पे वी आया तो वी के साथ तो सेल का प्रयोग होता है तो आप सेल लगाएंगे, SHELL, आप उल्टा पुल्टा ना करेंगे, और उसके बाद लगाएंगे वी, कितना सिंपल है सर, वी लगा दिए, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद बी इंग लगाएंगे, BEING, स्ट्रक्चर को देखना है पूरा,
बींग लगा दिए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके साथ आएगा ना, तो फिड, फिटिंग, फिड इसका रूट वर्ड है, फिटिंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन आपको चाहिए क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए। एफ डबल ई डी फिड हुआ मेन वर्ब का दूसरा रूप, फेड भी, और एफ ई डी फेड होगा वर्ब का तीसरा रूप, और फिटिंग होगा वर्ब का चौथा रूप, फेड्स होगा वर्ब का पाँचवा रूप। आइए सर, उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो बाय चाहिए, बी वाई बाय, बाय दे दिए। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वही ना बनेगा ऑब्जेक्ट, तो देखिए दे 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 टी एच वाई दे, सब्जेक्टिव केस में दे होता है, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा था कि देम हो जाएगा टी एच ई एम, टी एच ई एम देम। उसके बाद क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट को दे देने के बाद सेंटेंस में जो भी बचता है आप उसको लिख देंगे, जो कि तो आपका सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दे दिए, अब क्या बच गया, देयर, तो आप देयर लिख दीजिए, टी एच ई आर ई, टी एच ई आर ई। और आप नोनू जैसा क्वेश्चन मार्क आप इनमें ज़रूर लगाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आपको समझ आता होगा, अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके हमको मोटिवेट करेंगे सर, ठीक है। आपके एक लाइक से हमको दुगना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आइए सर बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बनाता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर दो, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे सर, ठीक है। आपको नो इंटरटेनमेंट, आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन आप अच्छे से बैठेंगे कॉपी कलम लेकर के और सारे दिमाग से पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप माइंड अस्थिर करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आप एक क्लिक में कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं। यूट्यूब पर देखते हैं आजकल फर्जी, मतलब जैसे तैसे वीडियो डालता है, तो सबको आप वर्जित करेंगे, ठीक है। और जो आपका काम है, जो आप यूट्यूब पर काम से आए हैं, उसको आप फिल्टर करके देखिए, बाकी बात छोड़ दीजिए। आइए तो वेन, क्या प्रशांत बनाए हैं, ओके सर बनाइए, नहीं तो आप मेरा देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो से आप चलिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड आपको सबसे पहले चाहिए, तो आप डब्ल्यू एच वर्ड आपके पास है सर, दे दीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके साथ मैं उपलब्ध हूँ, ठीक है। मैं टीचर जो होता है सर, टीचर अगर पीछे में है तो स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए, मम्मी पापा अगर पीछे में है तो उसके बच्चे को घबराना कभी नहीं चाहिए, नहीं यार घबराते भी नहीं है कि वो मम्मी पापा तो है ही है पकड़ लेंगे, नहीं। तो उसी प्रकार सर मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मैं आपके साथ हूँ। आइए सर देखिए, वेन, उसके बाद सेल और विल में से आप एक लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट बनेगा, तो ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है तो यही ना बनेगा सब्जेक्ट, तो आई और बी तो रिजर्व है, सेल रिजर्व किसके लिए, आई और बी के लिए, लेकिन है सब्जेक्ट क्या, तो ए स्टोरी, तो ए स्टोरी के साथ आपका विल लगेगा, विल डब्ल्यू आई डबल एल, और ए स्टोरी देना है सब्जेक्ट में, ए स्टोरी एस टी ओ, एस टी ओ आर वाई, ठीक है सर। स्टोरी थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ होगा, आप देखेंगे, स्टोरी दे दी, वी दे दिए, वी वी ई वी, फिर आएगा बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग आ गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, टेलिंग, टेलिंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप, लेकिन आपको चाहिए क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल, टोल्ड होगा, टी ओ एल डी, नहीं टी ओ एल डी, टोल्ड होता वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको चाहिए क्या, तो बाय, नहीं देख लेंगे आप यहाँ बाय। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का, नहीं उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, दो नंबर में देखिए आई, आई सब्जेक्ट है, तो आई का क्या बनता है, तो आई का मी बनता है, आप देख लेंगे आई का क्या बनता है, तो आई का मी बनता है, और सब्जेक्ट जब सेंटेंस जब एंड हो जाए तो उसके लास्ट में आपको सम्मान जरूर देंगे, ठीक है सर। आप अच्छे से पढ़ते होंगे मैं आशा करता हूँ, आई होप यू will be is read you working hard for your examination। आइए सर क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ, तो वाई सबसे पहले देना, आप खटाखट बनाइए सर, सारे रूल रेगुलेशन मैं आपको बता दिया हूँ, तो वाई। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो सेल अथ विल में से आप एक लगाएंगे, तो ये आपका यू बनेगा, सब्जेक्ट तो लगेगा विल, चूँकि आई और बी के साथ ही सेल होता है। उसके बाद लगाएंगे आपको यू, क्यों यू लगाया, चूँकि सब्जेक्ट खोज रहा है। उसके बाद आप लगाएंगे बी, बी ई बी, उसके बाद आप बीइंग लगाएंगे, बी ई आई एन जी बी, बी ई आई एन जी बी। उसके बाद आपको चाहिए क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म,
गाड़ी जा रहा है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए तीन नंबर में क्या आता है, टीचिंग, मेन वर्ब का चौथा रूप है ये टीचिंग। टीच का फोर्थ फॉर्म है टीचिंग, टीच का फोर्थ फॉर्म है टीचिंग। तो इसका बेहतरीन बनाएंगे टाउट होगा, टी ओ टाउट। बींग हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टाउट दे दिए, उसके बाद आपका बाय दिए हैं, उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। तो जो आई है सब्जेक्ट है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई का क्या हो जाएगा, तो मी हो जाएगा। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे देने के बाद, ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो सेंटेंस में बचता है आप उसको लिख दीजिए। तो ऑन मंडे बच गया है, नहीं ऑन मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। नहीं क्वेश्चन नंबर एक दो तीन मैंने आपको बताया है सर, क्वेश्चन नंबर आप चार बना करके हमको कमेंट करेंगे, हमको दिखाएंगे, ठीक है प्यारे स्टूडेंटों, हमको दिखाएंगे। आइए सर इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो अफर्मेटिव देख लिया, इसका नेगेटिव को देखते हैं। आइए इसमें थंबनेल क्या करेंगे सर, अगर आपका मर्जी है तो कर दीजिए। नहीं आइए, मैं कैच लेना भी जानता हूँ, ठीक है। ठंडी आ गया सर, आप अपना ख्याल जरूर रखेंगे, ठीक है। ठंडी आ गया है, ठंडी जो है सो शुरू में और लास्ट में ही ठंड मारता है, आप जान लीजिएंगे, शुरू और लास्ट में ही ठंड मारता है, आप जरूर जानेंगे इस बात को। बीच में ठंडी कभी नहीं मारता, क्योंकि बीच में क्या होता है कि ज़्यादा ठंडी होता है, लोग कोट जैकेट वगैरह पहने होते हैं, स्वेटर, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है कि कहेगा कि ठंडा नहीं है, लेकिन ठंडा शुरू में ही गढ़ जाता है, तो उससे ठंडी मार देता है, और लास्ट में भी यही होता है। तो आप उसको ज़रूर आप अपना ज़रूर ख्याल रखेंगे सर इस ठंडी में, और अपने आप को बचाएंगे भी, और अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी रखेंगे, अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ये बी लिखे हैं, बी ई, अच्छा से लिखिए ना सर, आप तो जैसे तैसे लिखते हैं। नहीं सर मेरी राइटिंग इस तरह है। आइए सर इसका डब्ल्यू एच वर्ड का ये नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा सर आपका स्ट्रक्चर, नहीं क्वेश्चन नंबर ई नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर एफ होगा, ई एफ, रूल नंबर एफ होगा, एफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डब्ल्यू एच वर्ड। आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन को डब्ल्यू एच वर्ड भी बोल सकते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं नेगेटिव सेंटेंस रहेगा इसका, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए, तो इसका सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर इतना बड़ा याद होगा, होगा मेरे भैया, सारे सेंटेंस आपको याद होगा, लेकिन आप उसको रिविज़न करेंगे तब, रिविज़न नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ये तो हम भी आपको बोल रहे हैं कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद कभी नहीं होगा, आप रिवीजन करेंगे तो आपका सारा सेंटेंस, सारा सब्जेक्ट, सारा वर्ड जितना भी है आपको याद हो जाएगा। तो आइए सर, आप जानते हैं कि सेल और विल में से आप एक लगाएंगे, और सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको बताने की आपको ज़रूरी नहीं है। तो आप डायरेक्ट हिसाब पर आएंगे, डायरेक्ट सेंटेंस पर आएंगे। तो ये सारे सेंटेंस एक्टिव में हैं, लिख देते हैं ये सी टी आई भी, सारे सेंटेंस आपका किस में है, और जो हम बनाएंगे वो आपका पेसिव में होगा, एक्टिव में है, और जो हम बनाएंगे वो पेसिव में होगा, पी डबल एस आई बी पेसिव में। ये इंटर मैट्रिक में पाँच पाँच छः छः नंबर का आता है सर, वो भरने वगैरह का पलिंदे बैलेंस से आपका दो तीन नंबर, आप पेसिव जानेंगे ना तो आपको दस पाँच नंबर, दस से प्लस नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे जब कंपटीशन में जाएंगे तो इसका तो बहुत ही यूज है, एसएससी के एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम होता है, तो ये सब में इंग्लिश का ही महत्व है, अगर इंग्लिश जानेंगे तो उसमें आप जा सकते हैं, और उसमें कंपटीशन भी कम स्टूडेंटों से करना पड़ता है, आप उसमें सिंपली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए, तो सर क्यों हम लोग इससे चुके, हम लोग भी इंग्लिश से वंचित क्यों रहे हैं सर, हम लोग पढ़ेंगे, नहीं लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग पहले से ही पढ़ के रखना है, इंग्लिश इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। आइए सर मैं आपको हंसते हुए बताता हूँ, वेन सेल वी 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 आपका सब्जेक्ट है, नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, क्या नहीं खाएगा, तो ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है,
यू आपका ऑब्जेक्ट है, द थीफ आपका ऑब्जेक्ट है, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे छांट लेंगे तब ना मेन वर्ब के तुरंत बाद जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें सोचने वाली कुछ बात है ही नहीं। ठीक है सर, इसको बनाइए सर, मैं आपको सारे बता दिया हूँ। तो डब्ल्यू एच वर्ड आप उठा करके लिख दीजिए, तो इसमें क्या है वैन, डब्ल्यू एच ई एन वैन हो गया। उसके बाद सेल आ तो विल में से आप एक लगाएंगे, तो वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वही ना बने, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वही ना बनेगा सब्जेक्ट। तो ए मैंगो इसमें ऑब्जेक्ट है, ये उठ करके यहाँ आएगा तो ए मैंगो में लगेगा विल, क्या लगेगा विल लगेगा। उसके बाद आपको चाहिए ए मैंगो सब्जेक्ट चाहिए सर, ए मैंगो। उसके बाद चाहिए आपको नोट, जो कि नेगेटिव है, और उसके बाद चाहिए आपको बी, उसके बाद चाहिए आपको बीइंग, BEING। उसके बाद चाहिए आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटिंग है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन आपको चाहिए क्या, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इट का ईटिंग होता है बी फोर, लेकिन बी थ्री होता है ईटन, EATEN, ईटन बाय। चूंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है इसलिए बाय के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या देंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा वही ना, तो वी, वी का होता है अस, ये जीरो नहीं है, ओ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट दिए थे हम पहले से, तो अस हो जाएगा वी का अस। कितना सिंपल है, आप मेरे जैसा इसको इजी तरह से बना सकते हैं। तो वैन विल ए मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय अस। आइए सर, मैं दो नंबर आपको विदाउट टाइम वेस्ट के मैं आपको बताता हूँ। वाई, तो आपको डब्ल्यू एस वर्ड चाहिए, आपको वाई हो गया। उसके बाद सेल या तो विल में से आप एक लगाएंगे, लेकिन वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा आपका यू, यू बनेगा सब्जेक्ट, तो यू के साथ तो विल लगता है, तो आपको वी लगेगा विल, उसके बाद आपको लगेगा यू, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा चूँकि नेगेटिव है ना। और चाहिए आपको बी, उसके बाद चाहिए बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं बिटिंग, बिटिंग है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो इसका चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बिटेन, BEATEN, बिटेन। उसके बाद बाय, उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई है, देख सकते हैं आई है, तो आई का होता है मी, आई का क्या होता है मी होता है, और ऑब्जेक्ट अगर आप दे दिए तो उसके बाद जो भी सेंटेंस में बचेगा उसको आपको दे देना है ऑन मंडे, ऑन मंडे, MONDAY। आपको दिखता होगा सर, ठीक है, तो why will you not be being eaten by me on Monday? नहीं, कितना सिंपल है, आप इसको मेरे जैसा बना सकते हैं और कोई भी आपको गलत नहीं करेगा ऐसे आप बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर तीन बनाएंगे सर, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी जल ही जीवन है, आप लोग पानी का संरक्षण कीजिए सर, ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग नहीं समझेंगे पानी का गुण तो और कोई कौन समझेगा, तो ज़रूर सर आप अपने को पानी से बचाइए, आप भी पानी से पानी को बचाइए सर, ठीक है, पानी का संरक्षण कीजिए, जल का संरक्षण कीजिए, क्योंकि ये हमें जीवन देता है। नहीं, विश्व जल दिवस 22 मार्च, आइए आइए सर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है, वेयर विल दे नॉट बी, दे दे गया आपका सब्जेक्ट, नॉट बी रेस्टिंग द थिप, वो थिप आपका, द थिप आपका ऑब्जेक्ट है, तो वही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले चाहिए, तो वेयर, डब्ल्यू एच ई आर वेयर हो गया, सैलो तो विल में से आप एक लगाएंगे, तो द थिफ आपका सब्जेक्ट है, नहीं उसी के अनुसार सैलो विल लगेगा, तो विल लगेगा आपको विल, विल। उसके बाद आपको चाहिए द थिफ, जो कि सब्जेक्ट है, द थिफ, THIEF, नहीं द थिफ। उसके बाद बीइंग, बी चाहिए, उसके बाद चाहिए आपको बीइंग, BEING, बीइंग। मेन वर्ब चाहिए सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टिंग, तीन नंबर में अरेस्टिंग है ना, तो अरेस्टेड होगा, अरेस्टेड, ARRESTED, arrested by। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, दे है सब्जेक्ट, तो यही बनेगा ऑब्जेक्ट, तो देम, दे का क्या होता है, तो देम होता है, दे का क्या होता है, तो देम होता है, आप इसको फुल स्टॉप, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे,
तो आपका सेंटेंस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया है सर, आप क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बना करके आप कमेंट करेंगे, ठीक है, या आपको दिखाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर दिक्कत होता है बनाने में, रेगुलेशन समझने वगैरह में, तो हमको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 12, ये पार्ट नंबर 12 फ्यूचर कंटिन्यूअस का जितना भी सवाल था सर, जितना भी इसमें बन सकता था पेसिव, मैंने आपको बताया सर। ये पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 में इसको हम ख़त्म किए हैं, आप ज़रूर देखेंगे उसको, ठीक है। इसके जो वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, सारे वीडियो का आपको मिल जाएगा, पार्ट बाय पार्ट आप ज़रूर जा करके देखेंगे। ये एक लड़का बोल रहा था सर कि डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करें, एक लड़का क्या बोल रहा था कि डिस्क्रिप्शन को कैसे चेक करें, तो आइए सर हम बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करें। तो देखिए सर, जो वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे में आप जाएंगे तो मोर लिखा हुआ होगा, MORE, नहीं डॉट डॉट डॉट, ये आपका मोर लिखा हुआ होगा, MORE, आप उसी पर क्लिक करेंगे ना तो वही तो डिस्क्रिप्शन है। पहले होता था कि डिस्क्रिप्शन आपको लिख करके यूट्यूब दे देता था, लेकिन अभी क्या है कि वो डिस्क्रिप्शन लिख करके नहीं देता है। आप वीडियो चल रहा है वहाँ पे देखेंगे नीचे में आपका टाइटल वगैरह जो भी लिखा है, और उसके एंड में आप देखेंगे तो मोर लिखा हुआ रहेगा, MORE, आप उसी पर क्लिक करेंगे तो सारे डिस्क्रिप्शन का आपको लिंक खुल जाएगा, ठीक है, और सारे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पूछा है कोई, वही सब बता दिए हैं, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा जितना हम बताए हैं, ठीक है। अगर समझ आया तो हमको बताएंगे सर, थंबनेल करके हमको बताएंगे कि सारे आपको समझ आ गया है, ठीक है, तब ना हम जानेंगे और इसको रिवीजन करेंगे तब आपको सारे समझ आएगा। ऐसे ही बना करके छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए समझ आएगा, फिर आप भूल जाएंगे, बोलेंगे हमको फिर भूल गए। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, वंदे मातरम सर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, ओके जी।